हेलो 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 दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशरफ कमाल एक नए और बहुत धमाकेदार व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पटना के अंदर गांधी मैदान में पटना डिज्नी मेला लग चुका है, और इस डिज्नी मेला में क्या ख़ास बात है? वैसे तो मेले आम तौर पर काफ़ी एक जैसे ही होते हैं, इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो पीछे का पूरा सेटअप है ये लंदन ब्रिज जैसा है। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ अभी फ़िलहाल, और लाइटिंग का इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं, अलग अलग लाइटिंग इफ़ेक्ट इसमें यूज़ किया गया है जो इस पूरे लोकेशन को बहुत खूबसूरत बना रहा है। और काफ़ी भीड़ हो चुकी है, अभी दो दिन पहले इसकी ओपनिंग हुई, और मैं कैसे पीछे रह सकता था व्लॉग बनाने से। मैं आ गया और एक नए धमाकेदार व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, इसमें एक बहुत ख़ास बात है, आपको वहाँ लेके चलते हैं। दोस्तों, जिस ख़ास बात की मैं जिक्र कर रहा था वो ये है, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम पहली बार पटना के गांधी मैदान में आया है। मतलब पूरे पटना में आज तक बिहार की पब्लिक के लिए ये कुछ नया होगा। ये तो एग्ज़िट गेट है, एंट्री गेट वहाँ पे है, आप देख सकते हैं। आपको लेके चलते हैं। दोस्तों, ये रहा टिकट काउंटर। आपको 20 रुपये का एक टिकट लेना पड़ेगा इस डिज्नी मेला में एंटर करने के लिए। और ये वो लंदन ब्रिज है जिसको यहाँ पे कोशिश किया गया है, कहाँ लंदन ब्रिज और कहाँ ये कोशिश, पर अप्रिशिएट किया जा सकता है इस कोशिश को। काफ़ी हद तक कोशिश किया है इन्होंने, और यहाँ से इंटर करना है। और ये बिल्कुल फ़ोटो वाला स्पॉट है, मतलब लोग रुक रुक के यहाँ पे फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे जो वंडर्स हैं दुनिया में, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लोटस टेम्पल, ताजमहल, और यहाँ पे कुछ है अशोका का, यहाँ पे कुछ है। तो आपको लेके चलते हैं डिज्नीलैंड के अंदर। तो ये रहे हमारे 5 टिकट्स, और यहाँ से एंट्री करना है। विजय भैया 5, थैंक यू। तो दोस्तों, नीचे से मैं एक्चुअली इसी फोटो वाले स्पॉट की बात कर रहा था, नीचे से जो आपको दिखाया था, आपको दिखा दूँ ये वाला। यहाँ पे देखिए, आप दो दोस्त आपस में खड़े होकर मज़े ले रहे हैं, बिल्कुल टाइटैनिक वाली यहाँ पे फीलिंग आएगी। तेज़ हवा आ रही है, मतलब एक चीज़ अच्छा है कि ऐसे मौसम में लगा हुआ है ये, कि ठंडी हवाएं अभी चल रही हैं आज यहाँ पे फिलहाल इस गर्मी के मौसम में। दोस्तों, जब आप यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ से शुरू हो जाता है डिज्नीलैंड मेला। और मैंने डिज्नीलैंड और बिहार के ऐसे मेलों में एक चीज़ नोटिस किया है कि आपको ये अचार ज़रूर मिलेगा, ये अचार का पूरा सेक्शन है। यहाँ पे एक क्रॉकरी की दुकान मुझे दिखी है, जिसमें बहुत यूनिक आइटम्स मुझे दिख रहे हैं। भैया, ये वाला क्या रेट है? ये वाला, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, 150 जी। क्या चीज़ का बना है ये? फाइबर है, मेला माइन। फाइबर है, मेला माइन। तो इस तरह की बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, अलग अलग वेराइटी। मतलब मैं तो यहाँ पे कम से कम 50-60 अलग अलग टाइप के वेराइटीज़ देख पा रहा हूँ। एक टैटू आर्टिस्ट यहाँ मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं डिज्नीलैंड में टैटू आर्टिस्ट का क्या काम, पर यहाँ लगा है तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। वर्ल्ड फेमस टैटू आर्टिस्ट के नाम से इन्होंने ज़रूर बहुत डिफरेंट टैटूज बना रखे होंगे। अब ये एक भाई साहब है जिनको यहाँ पे मॉम डैड का एक टैटू बना रहे हैं। अरे दादा बहुत गुस्से में दिख रहे हैं फोन पे। देखे महंगा है, सारी चीजें महंगी है।
ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें महंगी है, क्या क्या चीज़ महंगा मिला भाई आपको? झूला सबको बहुत महंगा, सारे झूले बहुत महंगे। अच्छा 100 रुपये क्या चीज़ का रेट बताया आपने? अच्छा चलिए ठीक है, ब्लॉग में इसको डालता हूँ मैं। नाम क्या आपका? संजीव कुमार। चलिए थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि हर मेले में होता है, एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे तरह तरह के झूले होते हैं, बच्चों के झूले से लेके वो बड़े वाले झूले जो बहुत डेंजरस होते हैं। एक तो ये वाला झूला है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये झूलों के सेक्शन में मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, कुछ नयापन नहीं है। कुछ नया हो तो वो अब आपको आगे दिखाता हूँ। एक बार फिर से ये भाई लोग ने भी यही कंप्लेन किया कि यहाँ पे झूले भी बहुत महंगे। कितना महंगा है? 100 रुपये। ये सारे झूलों का सेम कॉस्ट है? क्या नहीं है? अच्छा मतलब मज़ा भी नहीं आया, पैसे ज़्यादा लग गए, मतलब बजट फ्रेंडली नहीं है ये। तो दोस्तों अभी फीडबैक तो आप मेरे को यही मिल रहा है कि बजट फ्रेंडली नहीं है। आप लोग का नाम क्या है? आप लोग का नाम क्या? बिट्टू और हर्ष। चलो थैंक यू बिट्टू हर्ष, मिल के अच्छा लगा। थैंक यू। मत भैया पैसा बर्बाद हो जाएगा भाई साहब। ये सारे जो राइड्स हैं ये बहुत डेंजर हैं, ये हमसे तो ना होगा। और ये रहे कुछ खतरनाक वाले राइड्स, लेकिन पब्लिक इसको एंजॉय भी करती है, जबकि मुझे बड़ा रिस्की लगता है ये तो। कब चालू होगा? तो दोस्तों एक ज़बरदस्त वाला पोपट हो गया बाहर, जो मैंने आपको इंट्रो के टाइम में दिखाया था कि एक फ़िश एक्वेरियम लगने वाला है, तो वो यहाँ के लिए सेटअप हुआ है जो अभी एक्चुअली लगा भी नहीं है। शायद ये 25 मई से लगना मतलब शुरू हो जाएगा। तो अगर आप डिज्नीलैंड इस ये सोच के आ रहे हैं कि आपको फ़िश एक्वेरियम बिहार या पटना में पहली बार देखने को मिलेगा, तो फिर आपको अभी नहीं आना चाहिए। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप फ़िश एक्वेरियम देखने के लिए आ रहे हैं तो ये फ़िश एक्वेरियम का वो पूरा सेटअप है जो 25 मई से शुरू हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये व्लॉग तो मैं ऐसे ही पोस्ट कर दूँगा, लेकिन फ़िश एक्वेरियम क्योंकि बिहार के लिए और मेरे लिए भी शायद थोड़ा सा नया है, तो मैं दिखाने के लिए आपके पास ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पटना का ये जो डिज्नीलैंड है, ये अभी एक्चुअली सेटअप ही हो रहा है और पब्लिक का रिस्पांस इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मैं कुछ मिसलेनियस सा रिव्यू दूंगा, आप आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन 25 तारीख के बाद आएंगे तो आपको ये सारी जो पीछे सेटअप है ना ये प्रॉपर मिलेगा। आज हम अपने व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं अगले व्लॉग में मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा पाऊँगा। थैंक यू सो मच, शब्बा खैर।